आज की क्लास में हम लोग ASP.NET फ्रेमवर्क पे काम करना सीखेंगे। ASP.NET जो है एक फ्रेमवर्क है और इस फ्रेमवर्क का यूज हम लोग किसी भी वेब एप्लीकेशन, किसी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन या किसी भी कस्टमाइज एप्लीकेशन को डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ये जितना भी आप देख रहे हो ASP.NET वेब पेजेज, ASP.NET वेब फॉर्म, ASP.NET MVC और ASP.NET कोड, ये सब एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म को चूज करके हम अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको वेब पेज वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना है तो आप ASP.NET वेब पेजेज का यूज करोगे। आप इसके साथ आप वेब फॉर्म भी यूज कर सकते हो। आप अगर ये दोनों प्लेटफॉर्म को अगर छोड़ दें तो आप MVC का भी फाइल जनरेट कर सकते हो और वो ASP.NET 4 पे भी काम कर सकते हो। सबका अलग अलग यूज है। जो हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो जरूरत पड़ता है तो हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि ASP.NET इज अ फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग वेबसाइट एप्स एंड सर्विसेज विथ HTML, CSS एंड JavaScript। HTML और CSS और JavaScript के हेल्प से अगर हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं या फिर कोई एप्स या उससे रिलेटेड कोई सर्विसेज है, अगर उसको डेवलप करना होता है तो हम लोग ASP.NET फ्रेमवर्क का यूज करते हैं। इसमें जो मेन जो इसका जो एप्लीकेशन है वो विजुअल स्टूडियो है। आपको फ्री में इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप गूगल प्लेटफॉर्म पे जाओ और वहां से इसको आप डाउनलोड कर लोगे। ये जो ऐसा विजुअल स्टूडियो एक IDE इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। IDE इन्वायरमेंट का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। कहने का सेंस ये है कि आप इसमें कोड भी करोगे, डिजाइन भी करोगे और उसका व्यू भी देखोगे। अगर सेम इन्वायरमेंट में अगर तीनों चीज अगर हमको मिल जा रहा है, उस इन्वायरमेंट को हम लोग बोलते हैं IDE इन्वायरमेंट। आप कोडिंग भी कर रहे हो, उसका डिजाइन भी देख रहे हो और उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी पेजेस पे आप उसका व्यू भी देख रहे हो, उस टाइप के इन्वायरमेंट को हम लोग बोलते हैं IDE इन्वायरमेंट। विजुअल स्टूडियो भी जो है ऐसा एप्लीकेशन है जो एक IDE इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है और एक किसी भी वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कस्टमाइज एप्लीकेशन को डेवलप करने में हेल्प करता है। जब आप माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म मिलेगा। आप फाइल में जाओगे और वहां से आप एक वेब फॉर्म लोगे। वेब फॉर्म जब लोगे तो कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस डेस्कटॉप पे देखने को मिलेगा। आप यहां से डिफरेंट टूल्स है, ये तुम्हारा फॉर्म है। देखो यहां पे चार विंडो काम कर रहा है। एक तुम्हारा जो है टूल बॉक्स है, ये जो तुम्हारा जो है ये वर्किंग विंडो है जिसपे फॉर्म दिख रहा है। ये जो है तुम्हारा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है और ये जो तुम्हारा है इस फॉर्म से रिलेटेड प्रॉपर्टीज विंडो है। अब जब आप इस फॉर्म पे काम करोगे तो इस फॉर्म पे आप एक साथ टूल्स को भी आप अप्लाई करके उसका डिजाइनिंग करोगे, उसके प्रॉपर्टीज में जाकर इसके प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो और फिर इसी विंडोज पे इसका आउटपुट भी देख सकते हो। इसको हम लोग आगे की क्लास में हम इसको प्रैक्टिकली यूटिलाइज करके हम लोग देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। कुछ स्टेप्स है जब आप विजुअल स्टूडियो
2010 पे काम करोगे या 2022 पे काम करोगे तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दो लैंग्वेज सपोर्ट करता है, ऐसे तो इसमें आप C++, Python कोई भी प्लेटफॉर्म यूज करके आप काम कर सकते हो, बट जनरली हम लोग इस पे VB या फिर C# लैंग्वेज का यूज करते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, विजुअल C# का यूज किया है यहाँ विंडोज, और यहाँ पे एक विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया है और यहाँ से उस फॉर्म का नाम देंगे और उसके बाद क्रिएट ओके करेंगे तो मेरा एक फॉर्म, जैसे इसे पहले वाले विंडो पे तुमको एक फॉर्म डिस्प्ले हुआ था उसी टाइप से यहाँ पे जब आप ओके क्लिक करोगे तो एक फॉर्म डिस्प्ले हो जाएगा। C# जो है, C# एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हम लोग जब भी ASP.NET प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो ये लैंग्वेज का हम लोग जनरली यूज करते हैं। हमारा .NET फ्रेमवर्क है, आप ये .NET फ्रेमवर्क जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करता है। अगर आप इस पे उप्स का कोई प्रोग्रामिंग करना है तो आप ASP.NET प्लेटफॉर्म पे वहां पे भी जाकर इसका प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये उप से रिलेटेड कुछ फीचर्स है, क्लास है, ऑब्जेक्ट है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन है। जब आप उप से रिलेटेड आप काम करोगे तो क्लासेस बनाना होगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाना होगा। कुछ फीचर्स हैं जैसे इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, इसका यूज हम लोग देखेंगे। अब आप स्टार्ट करोगे तो कुछ इस टाइप का एनवायरमेंट मिलेगा। ये 2010 है, आप जब 2022 पे काम करोगे तो कुछ इस टाइप का एनवायरमेंट होगा, बस थोड़ा सा लुक चेंज होगा। यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट ले सकते हो फाइल में जाने के बाद, या फिर यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट लेकर आप काम कर सकते हो। देखो यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट लोगे, वेब फॉर्म एप्लीकेशन, फॉर्म एप्लीकेशन का नाम और ओके क्लिक करोगे। उसके बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये जो इंटरफेस है, अभी मैंने बताया कि ये आपका टूल बॉक्स है, आप टूल बॉक्स के हेल्प से आप इस टाइप से ड्रॉप डाउन लिस्ट, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, जो भी कंट्रोल्स है आप उसके हेल्प से आप एक अच्छा सा फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। ये इसका कोडिंग विंडो है, यहाँ से आप इसको कोडिंग कर सकते हो। एक कोड एडिटर है जहां से आप कोडिंग करोगे, इसको हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में उसका डिस्कशन करेंगे। ये प्रॉपर्टीज विंडो है, यहाँ पे आप किसी भी कंट्रोल्स के प्रॉपर्टीज को आप चेंज कर सकते हो। यहां से आप डिबग करोगे, जब तुम्हारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा तो आप वहां पे, आप जब मेनू बार पे जाओगे तो वहां पे देखोगे क्या कि एक डिबग का ऑप्शन होगा, वहां से आप उस एप्लीकेशन को डिबग करके आप उसका व्यू देख सकते हो सर्वर पे। यहां से आप इसका शॉर्टकट है F5 से आप इसका डिबगिंग कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकली इसका यूज सीखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।